गुड मॉर्निंग सर, सर ये आपकी फाइल। सर ये मेरी बीबी की फोटो आपके फोन में क्या कर रही है? क्या, अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? सर ये सच में मेरी बीवी है, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आपके साथ ऐसे। देखो वीरू, मुझे लगता है तुम पागल वागल हो गए हो, या ज्यादा काम करके ना तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। ये लड़की तो अभी कुंवारी है, इसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, क्या मजाक है ये? सर मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में मेरी बीवी है, भगवान कसम। ओ बस करो वीरू, ये तुम्हारी बीवी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी भी होने वाली है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो, थोड़ा दिमाग ठंडा रखो अपना। अरे तुम्हें जरूर ना कोई गलत फहमी हुई है, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ की शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड से मिलती हो। और ऐसा अक्सर होता है इस दुनिया में कि एक शक्ल के 2 लोग होते हैं, तो इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। सर ये टेंशन लेने वाली ही बात है, मैं अपनी बीबी की शक्ल अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी ही बीबी है, ये कोई हमशक्ल नहीं है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है? सर मेरा घर द्वारका में है, फ्लैट नंबर 103। देखा वीरू, मैं कह रहा था ना पहले ही कि ये तुम्हारी जरूर गलत फहमी है, क्योंकि ये लड़की ना फ्लैट नंबर 101 में रहती है। अच्छा ठीक है सर, हो सकता है मुझसे कोई गलत फहमी हो गई हो। अच्छा सर अब मैं चलता हूँ, ये लीजिए आपकी फाइल। हेलो रूपाली, एक बार जरा मेरे ऑफिस में आओगी तुम? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी आओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रूपाली मुझे तुमसे ना बहुत जरूरी बात करनी है, क्या तुम ये बात सच सच बताओगी जो मैं पूछूंगा? हाँ हाँ सच बताऊंगी, बोलो क्या बात है? क्या तुम शादीशुदा हो? शादी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम शादीशुदा हो या नहीं? नहीं, मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा झूठ बोल रही हो ना तुम? तुम मुझे सच से बताओ, क्या तुम्हारे पति का नाम वीरू है? वीरू? मैं किसी वीरू को नहीं जानती, और सौरभ मेरी शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आएगा? वाह कितना झूठ बोल रही हो, और कितना सफाई से झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति वीरू मेरी ही कंपनी में काम करता है, और अगर मैंने उसको यहाँ पर बुला लिया ना, और ये बात उसने कबूल कर ली और ये बात सच निकली, तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौरभ तुम इतना हाइफर मत हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। हाँ वीरू मेरा ही पति है, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना हमारे अफेयर के बारे में? नहीं अभी तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब सब कुछ सच सच बता दूंगा। वीरू इधर आओ। वीरू तुम, रूपाली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वीरू यही है ना तुम्हारी वाइफ? लेकिन सर ये यहाँ पर, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारी वाइफ भी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी, ये तुम्हें तो धोखा दे ही रही है और मुझे भी धोखा दे रही है। वीरू प्लीज तुम गुस्सा मत करो, तुम घर चलो ना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। चुप, क्या समझाओगी तुम मुझे? हाँ अब बचा क्या समझाने के लिए, रूपाली सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, जो मैं ये सब देख रहा हूँ ये सब क्या है? रूपाली मैंने तुम्हारे प्यार में कौन सी कमी छोड़ दी जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? वीरू इसने ना हम दोनों को धोखा दिया है, अगर मुझे पहले से इसके करेक्टर के बारे में पता होता ना, तो मैं इसके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आता। सर आज मैं इस लड़की की शादी करके पछता रहा हूँ, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों किया रूपाली तुमने मेरे साथ ऐसा, आखिर क्यों किया बोलो? वीरू आखिर क्यों ना करूँ मैं ऐसा, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या कहा था तुमने शादी के टाइम, तुम मेरी सारी खुशियों का ध्यान रखोगे, लेकिन तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ना तुम्हारे पास पैसा है ना ये रहने के लिए घर, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और जब से मैं सौरभ के साथ रिलेशन में आई हूँ ना तो मुझे पैसों की कमी है ना ही खुशियों की। और हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं सौरभ से शादी कर लूंगी। बहुत अच्छा किया रूपाली तुमने मेरे साथ, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, जो आज तुमने अपनी सच्चाई अपने मुंह से उगल दी। अच्छा हुआ ना मुझे सब कुछ मालूम चल गया, वरना तुम मुझको अंधेरे में ही रखती और मेरी जिंदगी नरक हो जाती। रूपाली एक बात बोलूं, तुम्हारे प्यार में खुशियों में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरे अंदर कमी निकालो, इसके लिए रूपाली तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। और तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ देखने के बाद, इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? रूपाली कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तुम मुझे क्या डिवोर्स दोगी, मैं खुद तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, कोर्ट के पेपर तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा, साइन कर देना, और तुमको इससे शादी करनी है ना, करो शादी, शादी मुबारक। एक मिनट वीरू, रूपाली
अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती तो तुम रहोगी किसके साथ? मतलब मैं तुमसे शादी करूंगी ना, और वैसे भी इसे तो सब कुछ पता चल गया और ये मुझे डिवोर्स तो दे ही रहा है। नहीं रूपाली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बीवी अपने पति की ना हो सकी तो वो मेरी क्या होगी। क्या सौरभ, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। प्यार वो भी तुम जैसी लड़की से करूंगा मैं? अरे जो अपने पति की ना हो सकी, आज उसके पास पैसा नहीं है लेकिन वो प्यार तो तुमसे बहुत करता है ना। और आज मेरे पास इतना पैसा है, और कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो तुम मुझसे ही प्यार नहीं करोगी? तुम तो मुझे छोड़कर किसी और के पास चली जाओगी, ऐसी लड़कियां क्या भरोसा। सौरभ ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अपनी ये प्यार व्यार की बकवास को बंद करो और निकल जाओ मेरे ऑफिस से, गेट आउट। तुम जैसी लड़की की ना अब मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम जैसी लड़कियां ना पता नहीं कितनों घर बर्बाद करती हैं, कितनों कैरियर खराब करती हैं, और तो और उनको झूठे केस में फंसा देती हैं। ऐसी लड़कियों से ना ब्लैकमेल करने वालों से मैं कोसों दूर रहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। इस तरह की धोखेबाज लड़कियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कंपनी के मालिक ने बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।